नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं। ईएसआई का जो एग्जाम आज हुआ है उसी का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न दिया हुआ था जिसमें से हम बहुत दो वीडियो में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का करा दिया हूँ और एक वीडियो में 35 यानी 35 GS भी करा दिए हैं। जो बचा हुआ है उसको संपूर्ण करा देंगे, इसलिए आप तीनों वीडियो देखकर अपना मार्किंग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब आप अपना नंबर बताएंगे तो मैं एक कट ऑफ के बारे में आप लोगों को अनुमानित कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क आप लगाए हैं तो सही है, न्यूयॉर्क लगाए हैं। अगला है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो 1887 हो जाएगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है, पहला सूक्ष्म रोधी दवा का नाम क्या है तो सल्फा ड्रग्स लगाए हैं, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने जेल से भागकर भूमिगत हो गया था, तो ये जेपी जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये फेरस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गंगा सोन और गंडक नदी के किनारे बसा शहर का नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का शैक्षणिक केंद्र कहाँ खुलेगा, ये है तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम रेल सेवा का नाम क्या है तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यदि आप मारे हैं तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो अकबर द्वितीय यदि आप लगाए हैं तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किसे मिला, तो ये सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर मारे हैं तो आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, तो ये सेल हो जाएगा, इसको सेल को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण हुआ है उसका नाम क्या है, तो PIMO हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ताई पुसम त्योहार कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे संविधान का संघीय गुण नहीं है पूछा जा रहा है, तो एकीकृत न्यायपालिका यदि आप लगाए हैं तो आपका प्रश्न सही है। राष्ट्रीय खर्च पर टिप्पणी करने का अधिकार किसे है, तो यह आपका हो जाएगा कैग का। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितना है, तो 22 भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एसटीपी प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन है पूछा जा रहा है, तो यह आपका गेहूं हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे, तो यह आपका हो जाएगा सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा, आप मारे हैं तो सही है। अगला प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 होगा। बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर लगा रहे हैं, आप इसलिए ध्यान देंगे 2 होगा, क्योंकि 1.5 से लेकर 3.5 के बीच होता है, जो ऑप्शन में 2 दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस उत्तक से कैंसर का इलाज होता है, तो ये आपका जुगुती परिरक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप सूर्य मारे हैं तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप कोलकाता लगाए हैं, तो आपका उत्तर 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सरसों अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, सवेरा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्क ए चहलगानी का अंत किसने किया, तो यह बलवन हो जाएगा, अंत बलवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट का प्रयोग होता है तो इथाइल अल्कोहल आप मारे हैं, तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 2 शब्द दिए हुए थे, इसका संबंध किससे है, तो यह वातावरण से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल की खेती होती है तो उष्ण कटिबंधीय यदि आप लगाए हैं तो सही है। और प्रश्न है, सफेद यानी P4 सफेद फास्फोरस की आकृति होती है तो यह चतुष्फलकीय होती है। यदि आप मेरा तीनों वीडियो से मिलाकर आप अपना नंबर को कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम आपको अनुमानित कट ऑफ बता देंगे। और आपसे बता दें, आप इस तीनों वीडियो में लगभग मैं कोशिश किया हूं कि 99.99% सभी सवाल को मैं सही बताने का प्रयास किया हूं। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।